मुझे प्रसन्नता है कि भी हमारे बीच में प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ हैं जो आपके ग्वालियर के ही हैं, जाने माने हैं। इनके परिचय की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है। करीब 25-30 साल का आपको इस सेक्टर का अनुभव है, एकेडमिक्स का। ऐसा कोई मैं देख रहा था आपका के बारे में डिटेल प्रोफाइल, तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ आप ना गए हो। और टूरिज़्म के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है। तो मैं क्वेश्चन आंसर और इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो उसके पूर्व में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ से निवेदन करूंगा कि कृपया हम लोग उद्बोधन। मैं हूं मध्य प्रदेश पर्यटन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सीईओ के समझा कि आपसे कुछ बातचीत करूं। जहां तक पॉलिसीज के बारे में बात थी और जहां तक फंड्स के बारे में बात थी, प्रोजेक्ट्स के बारे में, राजौरिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया राज्य है, जिसे समय समय पर अवार्ड मिलते रहे हैं। और इसका कारण एक व्यक्ति नहीं है, पूरी टीम है। और पिछले कई वर्षों से मेरे ख्याल से अब तो हम भी MBA में जो हमारे टूरिज़्म के कोर्स चलते हैं उसमें MP टूरिज़्म की एक केस स्टडी पढ़ाते हैं। एक समय वह था जब MP टूरिज़्म बंद होने की कगार पे था और कैसे इसको 15 साल पहले पूरी टीम ने, चाहे वो व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहता लेकिन आप सबको याद होगा, लोहानी जी की बात करें या उनके साथ पूरी टीम की बात करें, तो एक पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। आप देखिए MP स्टेट टूरिज्म, आपका ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो बंद हो गया, झांसी के पास माइनिंग कॉरपोरेशन UP का बहुत बड़ा था वो बंद हो गया, लेकिन इस MP टूरिज्म ने एक यू टर्न लिया है जो अपने आप में एक केस स्टडी है। और इसमें छटनी भी बहुत बड़ी नहीं की गई है, किस तरह से रिवाइव किया गया, दोबारा जान डाली गई है। प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसको स्टडी करना चाहते हैं और हमारे पास गोवा, केरला, राजस्थान के लोग भी आते हैं। और मैं, क्योंकि हमारे जो IITTM है उसके देश में 5 जगह केंद्र हैं, नेल्लोर में है, भुवनेश्वर में है, गोवा में है, नोएडा में है, और अभी हम शिलांग में खोल रहे हैं इस साल, और बोधगया में। आप विश्वास माने या ना माने, MP टूरिज़्म की किसी प्रॉपर्टी में आप यदि रुक जाएं और उसके बाद किसी भी प्रदेश में चले जाएं, मैं गुजरात को भी शामिल कर रहा हूं, महाराष्ट्र को भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि इन जगह हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, आप कहीं भी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सर्विसेज के बाद से। तो इसलिए तो आपको साधुवाद आपकी टीम को करना। मैं कुछ दूसरी चीज़ आपसे बात करने आया हूँ, वो बात ये करना चाहता हूँ कि भाई ये हम पैसा क्यों लगाएं। स्कीम तो आपने बता दी, मतलब अपन तो बिल्कुल क्लियर बात करें कि बनिए वाली बात करें कि हम पैसा क्यों लगाएं, क्या फ़ायदा उसको। तो मैं आपको बताता हूँ, WTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो मैड्रिड में उसका हेडक्वार्टर है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल काउंसिल WTTC। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने आज से 15 साल पहले एक प्रेडिक्शन किया था, एक फोरकास्ट किया था, और उसमें ये कहा है उन्होंने कि फ्यूचर टूरिज्म विल बी ड्रिवन फ्रॉम एशिया, कि जो भविष्य का पर्यटन है वो एशिया से चलेगा। हम लोग जो एशिया के लोग थे, भारत के लोग थे, बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उस इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने दो देशों का नाम लिया है, एक नाम लिया चाइना का और दूसरा नाम लिया उन्होंने भारत का, कि ये दोनों देश गजब की प्रगति करेंगे और भविष्य का जो पर्यटन है वो इन दो देशों से चलेगा। आज जब हम देखते हैं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, दिल्ली में 72 देशों के लोग आए,
72 देशों के पार्टिसिपेंट थे, अधिकारी थे, एथलीट थे। जो हम लोग टूरिज्म वाले थे, हाथ जोड़ रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, अल्लाह ताला से कह रहे थे, जीसस क्राइस्ट से कह रहे थे कि कोई भैया धमाका ना हो जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। गॉड ब्लेस, बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम हुआ। पूरे विश्व ने देखा कि अरे भैया यहाँ तो सब शांति है भारत में। और आज के जब हम आंकड़े देखते हैं, चाहे पर्यटन मंत्रालय के कहें या पैसिफिक ट्रेवल एसोसिएशन है पाटा या UNWTO के, तो हम ये पाते हैं कि चाइना को तो लोग देखने आना चाहते हैं स्लीपिंग ड्रैगन कैसा है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बंद थी, उसके बाद खुली और लिबरलाइजेशन इतना तेज हुआ कि व्यापारी भी, अब मेरठ का व्यापारी भी चाइना में जाता है गंजोव में और वहाँ से सामान लाता है या और जगहों पे जाता है। भारत में एक बड़ी अजीब सी क्रांति हुई है। आप माने या ना माने, दिल्ली चले जाएं T3 में या हैदराबाद चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा भी रक्षाबंधन आने वाली है उत्तर भारत में, ऐसा लगेगा कि ये तो बस स्टैंड हो गया है। सिविल एविएशन सेक्टर में मिरेकल्स हुए हैं। इंडिगो, स्पाइस जेट, आप नाम लीजिए, छोटे छोटे शहर भी हवाई यात्रा से जुड़ रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार जो केवल एक सपना संजोते थे, वो अब हवाई यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ बाइंग कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, वो बढ़ी है। आप सब लोग दिल्ली जाते होंगे या आगरा गए होंगे, आज मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, तो निज़ामुद्दीन स्टेशन के बाहर या नई दिल्ली स्टेशन के बाहर कमसम करके एक रेस्टोरेंट है, 200 रुपये में मुझे दुखी नहीं होता, क्योंकि साफ़ सफाई मिलती है, एयर कंडीशन लगा है और अच्छा खाना मिल जाता है। एक जने के 200 से या 180 रुपए में मैं भोजन कर लेता हूँ। मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये बड़ी हैं और इनकी पेइंग कैपेसिटी बड़ी है। आप थर्ड एसी में ट्रेवल करके देखो, आपको कभी कंफर्म टिकट मिलेगा ही नहीं। आप उसकी छोड़िए शताब्दी का ले लीजिए, दिल्ली तक का, और सब व्यापार में है। रेलवे ने भी प्रीमियम टिकट्स वगैरह चला रखे, लेकिन लोग उसके बाद भी परचेज करते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि भारत में, उत्तर भारत में भी विशेष रूप से लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है या पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। आप व्यापारी हैं, धंधे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोची समझी रीति के तहत। कोई आंख बंद करके कहेगा तो इमोशनल होके कोई नहीं करता, भैया गणित लाओ, रिसर्च लाओ। चोपड़ा साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं और हमारे बीच में एक हस्ती बैठे हैं जिनको शायद आप लोगों में से ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। अशोक जैन जी को मैं प्रणाम करता हूँ और बड़े शांत स्वभाव से वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे व्यक्ति। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एनालिसिस है, जो इन्वेस्टमेंट का है टूरिज्म में, आप उसको बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि ग्वालियर का सिटी सेंटर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक साल के अंदर 14 होटल आ रहे हैं, छोटे बुटीक होटल, और 14 के 14 प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक साल के अंदर क्या कारण है कि 22 रेस्टोरेंट सिटी सेंटर के 2 किलोमीटर की परिधि में आ रहे हैं और सबके सब, कई बार तो ऐसा होता है कार में आप बैठे हैं, जगह नहीं मिल रही है। इसका जब अपन कारण जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता लगता है भाई कुछ परिवर्तन आया है। इसके पीछे सिंपल सा कारण है, हमारे समाज में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया। पहले शादी ब्याह होते थे तो हम घरों में करते थे। 70% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अपने मूल घर में शादी नहीं करती है। कारण क्या है, या तो 3 कमरे का फ्लैट है या मेरा 40x60 का या 30x50 का प्लॉट है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी होटल वाले से कहता हूँ भैया 4 दिन की बुकिंग कर ले। और यही कारण है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस सारक के समय में आपको ग्वालियर तक में होटल की जगह नहीं मिलती है। मैरिज गार्डन तो छोड़िए, तो आदमी क्या करता है 6 महीने पहले बुकिंग कराता है। तो ये एक परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन जो दृष्टिगोचर हो रहा है कि माइक्रो फैमिली सिस्टम का आया है। पहले क्या होता था, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी सब परिवार में रहते थे, 12 लोगों का परिवार, यात्रा पे जाना है तो कैसे जाएं, सबको लेके जाना तो बड़ा खर्चे वाला है। अब मियाँ बीवी, 2 बच्चे या माता जी पिताजी बुजुर्ग रहते हैं, इनोवा कार की भाई चलो घूम के आते हैं। पहले जब हम पर्यटन की बात करते थे तो भारत में 2 तरह का पर्यटन था,
एक पर्यटन कहलाता था धार्मिक पर्यटन, बच्चे के मुंडन से लेकर अस्थि विसर्जन तक का। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें या इस्लाम की बात करें तो धर्म से पर्यटन जुड़ा हुआ था। और दूसरा जो पर्यटन था वो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में VFR, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के जाने का। लेकिन आज ये देखिए कि आप चूंकि माइक्रो फैमिली सिस्टम हो गया है, घर में टेंशन बहुत है। हम लोग जो अपने परिवार में जाते थे, जो 50 साल के आसपास के लोग हैं, वो लोग जाते थे साल में एक बार गांव जाते थे, बाबा दादी के या नाना नानी के। आज इतने लोग बैठे हैं, जब बच्चों से बात करो तो भैया हमारी गर्मियों की छुट्टी है, पापा कहाँ लेके चल रहे हो। अब किसे हमारी जो है बसंत ऋतु में छुट्टी आ रही है, दिवाली का हॉलीडे है या क्रिसमस हॉलीडे है। अब इस कारण से क्या हुआ है, बिकॉज लाइफ बिकम सो मच कॉम्प्लिकेटेड, लीगल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, अब इनको शॉर्ट आउट करने के लिए लोग पर्यटन में जाना चाहते हैं। नाउ टूरिज्म बिकम अ टूल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरे को भी 20 दिन बाहर रहना पड़ता है, बीवी नाराज रहती है, तो हर चौथे पांचवें दिन कि भैया इस बार यहाँ ले चलेंगे, तो घर में टेंशन कम हो जाता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो सोशल फैब्रिकेशन है उसमें परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। ये पानी की बोतल आज से 20 साल पहले जो लेके चलता था, हम उसको विदेशी कहते थे। इट वॉज द फॉरेन टूरिस्ट दोज कैरी दीज वाटर बॉटल्स 25 years back। बट आज 3 टायर में भी देख लीजिए, 3 टायर की छोड़िए, जनरल कंपार्टमेंट में भी रिफिलिंग वाली मिल रही है, साइकिल का पंचर जोड़ने वाला भी हाथ नहीं धो रहा लेकिन वो पाउच खरीद रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब तो ये चीज़ है कि आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। ऐसा क्या कारण है कि चोखी दाणी बिक जाता है? खाली प्लेन जगह थी, थोड़ी बहुत चीज़ें शुरू की और जयपुर से 24 किलोमीटर दूर जा रहा है। और दुर्भाग्य ग्वालियर का यह है कि चाहे मुरैने की तरफ चले जाओ, आगरा की तरफ चले जाओ, शिवपुरी की तरफ चले जाओ, MP टूरिज्म के रिसॉर्ट को छोड़ के इन बिटवीन कोई जगह ही नहीं है ऐसा रिसॉर्ट जहां परिवार के साथ जाके आराम से रह सका जाए। केवल रिसॉर्ट की बात नहीं है, होटल की बात नहीं है, कोई ऐसा व्हीकल नहीं है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें या तो अशोक जी के पास जाना पड़ता है, आगरा अप्रोच करना पड़ता है, या खजुराहो कि भैया हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस है, हमको 2 बसें चाहिए या 4 बसें चाहिए, यहाँ पर उसकी भी कमी है। आप होटल, जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म में होटल तो छोटा सा सेगमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, क्या इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन चलाई जा सकती है? क्या हम चंबल को सेल आउट कर सकते हैं? आप माने ना माने, हम मुश्किल से 120 किलोमीटर दूर बैठे हैं जहाँ पे इतना विदेशी आ रहा है, आगरा। क्या हम उसको ग्वालियर नहीं खींच सकते? क्या हम उसको चंबल की घाटी की सैर नहीं करा सकते तरीके से? क्या हम उसको नियर बाय नहीं ले जा सकते? ये तो हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म की बात। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, कहने का मतलब है जो घरेलू पर्यटक है जिसके बारे में बात की, और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है, दो आई एम वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, लेकिन हमारा भी दुर्भाग्य है कि उन आंकड़ों को हम अभी तक नहीं सही कर पाए कितने पर्यटक, देशी पर्यटक इस क्षेत्र में आ रहे हैं सही जानकारी, क्योंकि वो इतना बड़ा लार्ज चंक है जिसको कैलकुलेट करने का भी एक उसकी अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंटिंग। वो अभी हमारे देश में जिसपे ये कहा जाता है कि 2 यदि आदमी आए टूरिस्ट तो उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, कितनी पोल्ट्री, कितना दूध, कितनी सब्जी, ये सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक टूरिस्ट आता है तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये MP टूरिज्म नहीं कह रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो 5 T की बात करते हैं, 3rd T टूरिज़्म की बात करते हैं। उन्हें मालूम है कि टूरिज़्म में इतनी ह्यूज पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट का, फॉरेन एक्सचेंज का, रेवेन्यू जनरेशन का। आप दूसरी बात छोड़ दीजिए, ग्वालियर में यदि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, आई एम सॉरी बट थोड़े से नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ, या गुना की बात करें, सिटीजन ट्रैवल, विजन ट्रैवल, या और जो फैमिलीज हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, देयर अर्निंग इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो एक ट्रांसपोर्टेशन एरिया भी हो सकता है, क्यों ना हम एक लोकल क्यूजीन के साथ, लोकल ड्रेसअप के साथ एक ट्रांसपोर्टेशन हम शुरू कर सकें कि आगरा से या दिल्ली से फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ ला के रखा जा सके या आगे आसपास घुमाया जा सके। दिल्ली आगरा जयपुर तो भैया 15वीं शताब्दी का है, मुगलों के समय का है,
आपके साथ तो मितावली पड़ावली बटेश्वर की ये विरासत है, या और आगे चले जाते हैं तो तमाम जो नरवर के की बात की, हमारे पास तो मुगलों से भी आगे की ओर है। और फॉरेनर चाहे रोमन चाहे इटालियन टूरिस्ट हो चाहे फ्रेंच टूरिस्ट हो या वेस्टर्न वर्ल्ड का जो टूरिस्ट है, वो चाहता है ऐसी चीज़ों को देखना कि पाँचवीं शताब्दी का और छठवीं शताब्दी का। तो मेरा कहने का मकसद केवल थोड़े शब्दों में यह है कि एमपी टूरिज्म एक अच्छा प्रयास कर रहा है जिसमें आपको लेके आ रहा है, आपको चीज़ें बता रहा है। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि सोशियो कल्चरल जो चेंजेस आ रहे हैं वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ प्रयास करें, इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है, अन्यथा टूरिस्ट तो आएगा इस एरिए में, और टूरिज्म की बहुत संभावना है, केवल इस एरिए में नहीं देश में भी बहुत संभावना है, जिससे रोजगार की बढ़ोतरी साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो प्रभाव है इस क्षेत्र पर वह दृष्टिगोचर शीघ्र ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मध्य प्रदेश को पांच टूरिज्म रीजन हमने बांटा है, बांटते हैं हम, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और खजुराहो। आप ये देखेंगे कि जितने प्रकार की टूरिज्म एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो पोटेंशियल एरियाज हैं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर का मामला हो, स्टार और डिलक्स होटल का मामला हो, हेल्थ और वेलनेस रिसॉर्ट का मामला हो, हेरिटेज होटल्स का मामला हो, वाटर स्पोर्ट्स का मामला हो, रोप वेज का मामला हो, सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के